असलम टू ऑल्ड इयर स्टूडेंट हाव आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम सो दिस इज द लेसन ऑफ कंप्यूटर साइंस वी आर गोइंग टू ड्रा अर ब्यूटिफुल ड्राॅइंग इन पेंट प्रोग्राम बट बिफोर स्टार्टिंग द ड्राइंग लेट सी द बेसिक यूज ऑफ पेंट इंटरफेस सो आप सबको पता है कि पेंट प्रोग्राम हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं जस्ट क्लिक ऑन दिस स्टार्ट बटन एंड नाउ वट वी हैव टू डू कैन एनी वन टेल मी

वाइट एरिया नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर जहाँ पर हम हमने ड्राइंग करनी है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक शेप ड्रॉ की ठीक है अब ये जो ब्लैंक एरिया है इसका क्या नेम है वट इज अ वॉट नेम वी कैन से टू दिस ब्लैंक वाइट एरिया राइट दिस इज बेसिकली नॉन एज योर ड्राॅइंग एरिया वट वी कैन से टू इट दिस इज नॉन एज योअर ड्रॉइंग एरिया लाइट आई विल राइट य

टर्लमी नाउ मलाइका फहीम कैन यू टर्लमी इट्स वेरी इजी गुड दिस इज नॉन एज बेसिकली योर टाइटल बार इस बार का नेम क्या है टॉप पर जहां पर आपको क्रॉस का बटन नजर आ रहा है फिर उसके बाद एक स्केयर या बॉक्स टाइप है उसके बाद माइनस है इनके बाद में हम यूज देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ब्लैंक व्हाइट एरिया लाइन है दिस इज नॉन एज योर टाइटल बार कि जब आप अपनी फाइल को सेव करेंगे तो जो उसका टाइटल होगा वो यहाँ पर आपको शो होगा जब आपने अपनी फाइल को सेव नहीं किया तो जो टॉप पर आपको स्क्रीन शो होगी दैट इज नोन एज टाइटल बार लाइक हम इसको सेव करके देखते हैं क्लिक ऑन दिस फाइल बटन सेव डेस्कटॉप में मैं सेव करूँगी वन टू थ्री फोर के नेम से एंड आई विल क्लिक हेयर सेव सो नाउ एज यू कैन सी कि आपका नेम यहाँ पर अपीयर हो रहा है वन टू थ्री फोर के नेम से सो दिस इज नोन एज योर टाइटल बार इज इट क्लियर आफ्टर दैट हियर वी हैव डिफरेंट कलर्स आपने किसी ड्राइंग में किसी शेप में कलर करने हैं सो यू कैन चूज मल्टीपल कलर्स फ्रॉम दिस कलर बॉक्स सो नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कलर बॉक्स ali can you tell me right this is basically known as your color palette what we can say to it this is known as color palette or we can also say it as palette p a l e, -T -T -E. is it clear okay so now वी विल सी द नेक्स्ट स्टेप दैट इज हेयर वी हैव मल्टीपल शेप्स यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा शेप्स हैं सो दिस इज नज़ येप्स ग्रुप यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई हैं एज यू कैन सी कि यहाँ पर ये कलर्स का ग्रुप है उसके बाद ये शेप्स का ग्रुप है उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं सो हेयर वी हैव ऑफ टूल्स इन पेंट प्रोग्राम सो नाउ यू जो स्टार्ट टू रिमेम्बर दैट द टॉप

सो so, आपने सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये यह ड्रा की ओके सो ये स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली हमने और इसके बाद अब मैं चूज कर रही हूँ एक कर्व शेप इसको मैं यहाँ पर ड्रा करती हूँ इस लाइन के ऊपर और इसको मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर देती हूँ ठीक है इस तरह से आप इसको इसकी जो हाइट है वो एडजस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट अगेन मैं ए, वही कर्व लाइन चूज़ करती हूँ उसको ड्रा करती हूँ स्ट्रेट लाइन के ऊपर और अगेन मैं इस कर्व को ऊपर की तरफ मूव कर देती हूँ और इसी तरह से मैं इस प्रोसेस को टू से थ्री टाइम्स मैं इसको रिपीट करती हूँ आप कोई भी शेप चूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर बेसिकली माउंटेन्स बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने कर्व लाइन को चूज़ किया अगेन मैंने कर्व लाइन को सिलेक्ट किया उसको ड्रा कर दिया और ये लास्ट टाइम अगेन से मैंने इसको ड्रा किया और उसको अपवर्ड की तरफ ड्रैग कर दिया ओके okay, और इसके बाद यहां पर मैं सेम कर्व लाइन को चूज करके मैं यहां पर एक रिवर की शेप ड्रा करूंगी रिवर हम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं तो यहाँ पर आप स्ट्रेट सिंपल इस लाइन को ड्रा करें और जैसे ही आप इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये आपको रोटेट मूव uh, करती नजर आएगी आप इसकी यहाँ से हाइट और जो वृता है वो अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं अगेन मैंने कर्व लाइन यहाँ पर ड्रा की और इसको मूव कर दिया लेफ्ट साइड में अगेन ड्रा की और इसको राइट right साइड की तरफ मूव कर दिया ओके सो नाउ अब मैं क्या करूँगी अब यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल चूज किया है और इसको ड्रैग और ड्रॉप किया है और उसके बाद नीचे मैं एक रेक्टेंगल चूज कर लेती हूँ एक स्मॉल हट ड्रा करने के लिए ठीक है और नेक्स्ट अगेन मैं साइड पर सेम ट्राइंगल ड्रा करती हूँ और उसके बाद मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर देती हूँ आप यहां पर कोई भी शेप चूज कर सकते हैं और यहाँ पर अब मैंने ट्री ड्रा करने के लिए सेम कर्व शेप चूज किया और उसको ड्रा कर दिया और उसके बाद लाइन शेप चूज की है और उसको मैं उस लाइन को ड्रा कर देती हूँ ठीक है और अब ट्री का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जो उसके लीव्स वगैरह है उसको ड्रा करने के लिए मैं अगेन कर्व लाइन ड्रा करती हूँ और उसको लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाती हूं आप इस तरह से कोई भी कर्व लाइन या कोई स्ट्रेट लाइन चूज करके ट्री ड्रा कर सकते हैं ओके सो ना अब मैं क्या ड्रा करूँगी अब बेसिकली मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रा करती हूँ और जिसे मैं एक हट ड्रा करूँगी यहाँ पे और उसके बाद नीचे मैं एक रेक्ट्राइंगल ड्रा कर देती हूँ नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक लाइन टूल ले रही हूँ और लाइन शेप चूज़ कर रही हूँ और उसको क्या करूँगी उसको हट की शेप देने के लिए मैं नीचे की तरफ मूव करवाया और इन दोनों को मिला दिया ठीक है तो यह अब एक हट की तरह शेप लाइन टूल से मैं लाइन शेप से ड्रा कर सकती हूँ उसके अंदर मैंने सेंटर में एक सर्कल ड्रा कर दिया और नीचे एक रेक्टेंगल ड्रा कर दी ठीक है और अन, अंदर आप विंडोज वगैरह ड्रा करने के लिए अगेन आप रेक्टैंगल्स वगैरह ड्रा कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर अब एक मैंने लाइन टूल कर्व शेप चूज़ की है और उसको ऊपर तो की तरफ मूव करवा दिया यहाँ पर बेसिकली मैं एक सन ड्रा कर रही हूँ तो ये सन की तरफ सन के अंदर से जो रेज निकल रही है वो मैं सिंपल लाइन टूल के थ्रू ड्रा कर रही हूँ इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इसकी हाइट और लेंथ वगैरह और इसको मैं कंप्लीट फिल कर दूंगी स्मॉल और बिग लाइन से ओके okay, और नेक्स्ट में अगेन यहां पर लेफ्ट साइड पर अगेन मैं एक ट्री ड्रा करूंगी ताकि मेरा जो सीन है ये ब्यूटीफुल लगे और मैंने सिंपल क्या किया जिस तरह से हमने पहले वाला ट्री ड्रा किया इसमें भी हमने ओवल शेप चूज़ किया इसमें हमने कर्व शेप चूज़ किया और उसको मूव करवा दिया अगेन मैंने क्या किया यहाँ पर अब पेंसिल टूल से मैं आप पेंसिल टूल से भी क्या कर सकते हैं इसको ड्रा कर सकते हैं इसकी जो बाउंड्री है वो क्रिएट करने के लिए तो यहाँ पर मैंने इसकी बाउंड्री पेंसिल टूल से क्रिएट की है और जो राइट साइड पर मेरा ट्री था उसकी बाउंड्री मैंने किससे क्रिएट की है कर्व शेप से यहाँ पर मैं एक दो बर्ड्स क्रिएट करने के लिए सिंपल लाइन टूल यूज़ करूंगी ओके सो इट्स वेरी सिंपल एंड इजी आप कोई भी शेप कोई भी टूल चूज़ करके और अपनी ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह से मैंने सिंपल क्या किया है बेसिक शेप्स को यूज़ किया है और ये क्रिएट कर रही करी अब कलर फिल करने के लिए इसमें मैंने सिंपल कलर फिल विद कलर टूल चूज़ किया और इसको कलर कर दिया अब आपने देखा मैंने जैसे स्ट्रीम में कलर किया तो वो मेरी सारी नीचे वाले ड्राइंग में कलर हो गया क्यों क्योंकि वो लाइन जो मेरी है कम्प्लीटली फिल नहीं थी तो अब मैं कलर अगेन चूज किया और उस कलर को मैं फिल कर देती हूँ ऊपर वाले पोर्शन में स्काई ब्लू कलर सन में मैं येलो कलर कर देती हूँ उसके बाद मैं ब्राउन कलर कर देती हूँ ऊपर वाले पोर्शन में और अगेन मैं ब्रश टूल यूज़ करती हूँ ब्रश टूल में आपको कई कई किस्म की टाइप्स मिलेंगी तो यहाँ पर मैं इसको हाथ से फिल करती हूँ ताकि ये मेरी रिवर वाली जो लाइन है उसके बाहर ना निकले तो इसको आप प्रॉपरली फिल करें इसमें ब्रश का जो है वो आप इसकी वो जो टोन है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कलर किस टोन में चाहिए डार्क में या लाइट में ओके okay, ये मैंने इसको कम्प्लीटली फिल कर दिया और यहाँ पर ये जो इसके एजिज हैं इसको आपने कंप्लीटली कवर करना है और ये मैंने अब अगेन यहाँ से क्या किया है ब्लैक कलर चूज किया और ये जो उसकी बाउंड्री है रिवर की इसको मैं अगेन कंप्लीटली फिल कर रही हूँ ताकि वो प्रोमिनेंट हो बाउंड्री ओके एंड नाउ के बाद इस बाउंड्री को मैं कंप्लीटली फिल कर लेती हूं ताकि डार्क दिखे मुझे और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बाउंड्री है वो थोड़ी बाहर की तरफ ड्रा हो गई है या कोई भी इरेगुलर शेप आपने ड्रा कर दिया तो सिंपल आप उसको रेजर टूल के थ्रू उसको रेस कर सकते हैं ओके सो नाउ अब मैं यहाँ से रेजर टूल चूज करती हूँ और ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा पार्ट था इसको मैं यहाँ से हट में से इरेज कर देती हूँ और यहाँ पर मैंने एक हट के अंदर एक स्मॉल विंडो ड्रा की है विद द हेल्प ऑफ रेक्टैंगल टूल और यहाँ से आप कलर की टोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं आपको किस टोन में कलर चाहिए ओके okay, यहाँ पर मैंने इसमें ब्राउन ब्राउन कलर फिल कर दिया है और यहाँ से आप जो कलर्स है सेलेक्ट कर सकते हैं मैंने यहाँ से मैरून कलर चूज किया और इसको फिल कर दिया यहाँ पर ये यह मैंने जो ट्री का नीचे वाला पोर्शन है उसको मैंने मैरून कलर से कर दिया फिल और इस साइड में जो मैं क्या कर रही हूँ इस साइड में मैंने अगेन पेंट ब्रश लिया है और उसको मैं फ़िल कर रही हूँ ट्री का जो नीचे वाला पोर्शन है मैरून कलर से और यहाँ से जो मैं है अगेन कोई और ब्रश चूज करती हूँ जिसकी विथ कम हो और मैं इसको ऊपर वाले पोर्शन को कवर कर सकूं ठीक है ये देखें इस तरह से इसको आप इजीली फिल कर सकते हैं और आपने ध्यान रखना है कि आपका कोई भी जो कलर है वो जो आपने शेप ड्रा किया उसके बाहर ना जाए नेक्स्ट मैं यहाँ पर ग्रीन कलर चूज़ किया और वो फिल कर दिया दोनों ट्रीज़ के दोनों ट्रीज़ में और उसके बाद अब मैंने यहाँ से अब मैं यहाँ पर अगेन एक कलर चूज करती हूँ लाइट ग्रीन और वो मैं ट्री के अंदर वाले पोर्शन में फिल कर देती हूँ लीव्स वगैरह क्रिएट करने के लिए या आप इसमें कोई भी फ्रूट्स ऊपर क्रिएट कर सकते हैं ठीक है लाइक like एप्पल और कुछ भी सो so, इससे क्या होगा आपकी ड्राइंग ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी और इसमें मैं ऑरेंज कलर फिल कर देती हूँ ये जो हार्ट्स हैं ओके okay, और नेक्स्ट में मैं कर देती हूँ पर्पल और लास्ट में ये ब्राउन सो अब इसमें मैंने येलो विंडोज को मैंने येलो कलर से फिल कर दिया और यहाँ से मैंने लाइट ग्रीन कलर चूज किया इनके बैकग्राउंड पर फिल कर दिया और ये येलो कलर मैंने स्मॉल हर्ट के अंदर फिल कर दिया सो so, आपने अब इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है अपनी ड्राइंग की इन टूल्स को और शेप्स को यूज़ करना है और कोई भी आप मुझे सीन ड्रा करके उसको आप गूगल क्लास पर शेयर कर सकते हैं और आपने जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ब्यूटीफुल सीन आपने इसकी जगह लिखना है अपना नेम और क्लास सेक्शन